दोस्तों नमस्कार, प्रॉफिट गुरु चैनल में एक बार नए मार्केट अपडेट के साथ आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज की तेजी का कारण देखेंगे कि मार्केट में आज इतनी तेजी एकदम से कैसे आई। ठीक है, करीबन 2 से 3 बड़े अपडेट भी आए हैं, ठीक है, और करीबन 2 से 3 बड़े यहाँ पर कारण भी है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को फटाक से स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को यही बोलता हूँ कि दोस्तों आप लोगों ने अगर प्रॉफिट गुरु चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो डेफिनेटली सब्सक्राइब करके जाइए दोस्तों। और नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐप स्टॉक और एंजल ब्रोकिंग का लिंक दिया है और एलआईएस ब्लू का भी, वहाँ पर जाइए, फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करिए और हमारे साथ निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्टॉक ऑप्शन में भरपूर ट्रेडिंग करिए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम निफ्टी को वॉच करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो निफ्टी 50 की अगर मैं बात करता हूँ तो लगभग फिक्स 0.2% चढ़ के यहाँ पर निफ्टी बंद हुआ है, लगभग दोस्तों 15,175 रुपये के लेवल के आसपास। ये लगभग 4 से 5 दिन में दूसरी बार है जो निफ्टी ने करीबन 15,100 का लेवल क्रॉस किया है। अगर आप देखेंगे दोस्तों कि स्टॉक में आज की डेट में, ठीक है, यहाँ पर करीबन 14,987 रुपये पर मार्केट ओपन होता है, 15,190 का हाई लगाता है और 14,985 मतलब सेम ओपन होते से ही लो दिखता है हमें यहाँ पर। देन उसके बाद कंटिन्यूसली तेजी, मतलब ऐसी तेजी देखने को मिल रही है जो हमें मंडे को भी तेजी दिखा सकती है। ठीक है, तो ये तो हमें क्लियर होगा कि मंडे को भी तेजी हमें देखने को मिल सकती है, तो हमारे लिए काफ़ी अच्छी बात है। देन उसके बाद कुछ सेक्टर को भी वॉच करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो निफ्टी, ठीक है, निफ्टी बैंक की अगर मैं बात करता हूँ 0.4% की तेजी, ऑटो सेक्टर में भी करीबन दोस्तों 1% की तेजी, फाइनेंस सेक्टर में भी काफ़ी अच्छी तेजी, ठीक है, एफएमजीसी सेक्टर में भी 0.5% की तेजी। वहीं अगर आईटी सेक्टर, मेटल सेक्टर, फार्मा सेक्टर की मैं बात करता हूँ, सभी जगह दोस्तों काफ़ी अच्छा आज मार्केट को सपोर्ट मिला, तभी मार्केट दोस्तों 200 से 250 पॉइंट चढ़ने में क्या हुआ दोस्तों, पूरा क्लियर रहा। तो हमारे लिए ये अच्छी बात है कि मार्केट को आज सभी सेक्टर ने एकजुट होकर काफ़ी अच्छी तरीके से सपोर्ट किया, क्योंकि मार्केट में जो न्यूज़ आया ना वो काफ़ी इंटरेस्टिंग देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर देखिए मनी कंट्रोल की साइट के ऊपर लाया हूँ, सबसे बड़ा अपडेट है आप देख सकते हो 1:30 बजे के समथिंग का है, प्रमोटर्स को झटका, बैंकों को राहत। ठीक है, मतलब यहाँ पर बैंक का नाम आया, सुप्रीम कोर्ट ने इंसोलवेंसी पर प्रमोटर्स गारंट को याचिका खारिज कर दी। ठीक है, कि मतलब जो लोन प्रोवाइड किया जाता था ना बड़ी बड़ी कंपनियों को, उससे रिलेटेड यहाँ पर कुछ न्यूज़ है, तो हम देखते हैं। देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं सीधा एक उदाहरण के ऊपर आता हूँ जहाँ पर आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, देखिए इसका एक बड़ा उदाहरण है, किंगफिशर से जुड़ा विजय माल्या का बैंक। बैंकों ने विजय माल्या का किंगफिशर एयरलाइन के लगभग 9000 करोड़ रुपए को लोन माल्या की पर्सनल गारंटी पर दिया था। ठीक है, किंगफिशर के लोन पर डिफॉल्ट करने के बाद 2012 से बैंक अपनी राशि को रिकवर करने की कोशिश कर रहा है लेकिन हो नहीं पा रहा है। ठीक है, अगर हम उसके ऊपर का पैराग्राफ पढ़े, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला महत्वपूर्ण है क्योंकि बैंकों को लोन डिफॉल्ट के कई मामले में पर्सनल गारंटी को भुनाने में कोशिश हो रही थी। बड़े प्रमोटर्स अक्सर लेंडर को अपनी पर्सनल गारंटी का हवाला देकर अधिक राशि वाले लोन देने की आश्वस्ता करते हैं, हालांकि लोन पर डिफॉल्ट होने के बाद यह प्रमोटर्स बैंक को पर्सनल गारंटी को भुगवाने की कोशिश को प्रमोटर्स को चुनौती दे देते हैं। मतलब दोस्तों सीधा सा यह है कि एक कंपनी में जो प्रमोटर्स है, ठीक है, मान लीजिए एक बैंक में जो भी है, अब बैंक तो सीधी बात नहीं करेगी किसी से। मान लीजिए आपके पास बहुत बड़ा बिजनेस है लाखों करोड़ों का, तो आप प्रमोटर्स के पास जाओगे, ठीक है, प्रमोटर्स से बोलोगे आप हमारी बैंक के ऊपर, आप हमारी कंपनी के ऊपर पर्सनल हमें लोन दिलवाइए, ठीक है, और हमारी गारंटी है कि हम इसको चुका देंगे। तो फिर प्रमोटर्स कहाँ जाता है, बैंक के पास जाता है। अब बैंक का वो प्रमोटर्स है तो डेफिनेटली बैंक तो हाँ ना करके थोड़ा बहुत करके उसको दे देती है लोन उसके कहने पर, लेकिन दोस्तों वो क्या होता है, वो बाद में डिफॉल्ट हो जाता है, तो यहाँ पर क्या होता है, वो प्रमोटर्स के भी सर फूटता है। लेकिन दोस्तों प्रमोटर्स उसको यहां पर देखिए क्या लिखा है, हालांकि लोन पर डिफॉल्ट होने के बाद यही प्रमोटर्स बैंकों के पर्सनल गारंटी को बुहाने की कोशिश को कोर्ट में चुनौती देते हैं। मतलब दोस्तों ये अब देखिए, अब कौन की लड़ाई हो रही है, जो बंदा था लोन लेके वो तो निकल गया, उसने डिफॉल्ट कर दिया, अब प्रमोटर से और बैंक के उनकी यहाँ पर लड़ाई चल रही है। उन्होंने क्या कोर्ट में याचिका दर्ज की कि इसने लोन दिलाया था, ठीक है, प्रमोटर्स बोलेंगे कि हमने पर्सनल गारंटी पे नहीं दिलवाया, मतलब उसको भुआने की कोशिश करते हैं। तो अब इस चीज़ को दोस्तों क्या कर दिया है, इस चीज़ को पूरी तरीके से
बंद कर दिया है। मतलब जो याचिका लगाई थी दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने, प्रमोटर्स ने, उसको पूरी तरीके से क्या कर दिया दोस्तों, यहाँ पर खनन कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। मतलब प्रमोटर्स को झटका दे दिया है, मतलब अब सीधा जिसको लोन लेना होगा वो सीधे बैंकों से ही लोन लेगा। तो बैंकों के लिए एक ये सबसे बड़ी राहत वाली खबर है। देन दोस्तों सेकेंड भी अपडेट हुआ है मनी कंट्रोल की साइट पे ही, लगभग 2:45 बजे RBI 99,144 करोड़ रुपए का, अगर देखिए, सरलफ फंड केंद्र सरकार को ट्रांसफ़र करेगी। अब इतना बड़ा फंड दोस्तों RBI बैंकों से लेके ही ट्रांसफ़र करेगी, ठीक है, किसको, सरकार को। तो सरकार के पास क्या दोस्तों, अभी पैसा नहीं है, पैसा ख़त्म हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए कोविड के कारण, ठीक है, कितना खर्चा बढ़ गया है गवर्नमेंट का, आप लोगों ने देखा है जो टीकाकरण हो रहा है, टीकाकरण मतलब अपना जो कोविड वैक्सीन लग रही है वो किस प्रकार से लग रही है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट लग रही है, ठीक है। तो यहाँ पर खर्चा और बहुत सारी जगह, बहुत सारी यहाँ पर क्या चल रही, जो जैसे कि राहत वाली चीज़ें चलती है ना, जैसे गवर्नमेंट कभी 2,000 दे रही है, कभी 3,000 दे रही है, कभी राशन दे रही है, तो गवर्नमेंट के पास अभी पैसा नहीं बचा है। क्यों नहीं बचा, क्योंकि सब खत्म हो चुका है, आप लोगों को पता है, आए दिन खर्चा बढ़ता जा रहा है, कहीं ना कहीं से किसी भी न्यूज़ आ जाती है, कुछ नया वायरस आ रहा है वो भी दिख रहा है। तो ये चीज़ें हमें क्या देखती है, एक इन्फ्लेक्शन करती है, मार्केट से पैसा हटवाती है। तो मार्केट से पैसा तो हट चुका है, अब गवर्नमेंट को इतना पैसा ट्रांसफ़र किया जाएगा। अब प्राइवेटाइजेशन भी नहीं हो रहा है, जो प्राइवेटाइजेशन का पूरा चल रहा था, जैसे BPCL बैंकों का, वो भी हो जाता ना, तो बैंकों के पास वहां पर फंड आ जाता, देन वो बैंक फिर गवर्नमेंट को दे देते, लेकिन नहीं। तो अब यहां पर बैंकों को क्या, यहां पर गवर्नमेंट को पैसा देना है। तो सीधी सीधी बात है, गवर्नमेंट के पास अच्छा खासा पैसा जा रहा है, तो डेफिनेटली दोस्तों बैंकों के लिए काफी अच्छी बात होगी। अब इतने फंड पे कितना ब्याज बनेगा बैंकों के लिए, ये काफी बड़ी बात रहने वाली है। अब देखिए, पिछले साल RBI ने अपने सरप्लस फंड का 44% फंड यानी कि 57,128 करोड़ रुपए का केंद्र सरकार को ट्रांसफ़र किया था। यह पिछले 7 साल का सबसे कम सरप्लस फंड था। अभी तक मतलब गवर्नमेंट को फंड की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, छोटा छोटा अमाउंट ही लेती थी, लेकिन अब यहां पर 99,122 करोड़ का फंड गवर्नमेंट ले रही है RBI से। देन दोस्तों यहाँ पर एक्सपर्टों की अगर राय देखते हैं, मार्केट क्लोज होने के बाद आया है, सेंसेक्स निफ्टी में दिखा 1% से ज़्यादा का उछाल, आइए जानते हैं क्या है रही तेजी की वजह, ठीक है। तो जैसे कि आप देखेंगे 21 मई यानी कि आज कारोबार में सेंसेक्स निफ्टी में जोरदार बढ़त देखने को मिली। इस खबर के बढ़ते फाइनेंशियल सेक्टर के दिग्गज HDFC ट्विंस, ICICI बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक का खास योगदान रहा, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ BSE मिड कैप और स्मॉल कैप दोनों इंडेक्स में 1-1% की आसपास बढ़त देखने को मिली। तो ये मिड कैप और जो स्मॉल कैप आज सेक्टर था उसने भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करके दिया है। अब देखिए गियोजित फाइनेंशियल सर्विस के जो BK विजय कुमार है का कहना है कि चौथी तिमाही के अच्छे नतीजे स्टॉक प्राइस को पुश कर देते हैं, ठीक है, खास करके मिड कैप शेयरों में हरियाली देखने को मिली है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, COVID-19 के गिरते मामले, मतलब जो कोरोना वायरस के जो केसेस है वो गिर रहे हैं, ठीक है। भारत में COVID-19 के मामलों में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है, जिससे बाजार को काफ़ी राहत मिल रही है। दैनिक आधार पर आने वाले COVID-19 के मामले लगभग 5 दिन में 3 लाख के नीचे रहे हैं। अब देखिए सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है, ये अगर कम होता है तो डेफिनेटली जो लॉकडाउन का न्यूज़ है वो तो पहले हट जाएगा, देन उसके बाद जो लॉकडाउन लगा हुआ है वो भी खुलते देखने को मिलेगा, ठीक है। देन उसके बाद बैंकों को फाइनेंशियल शेयरों में तेजी, अब देखिए आप लोगों ने, ठीक है, और अच्छे विदेशी संकेत, मतलब विदेश से भी काफी अच्छे संकेत आए, एशिया बाजारों से अच्छे संकेत के दम पर आज भारतीय बाजार में भी तेजी देखने को मिली। आज जापान के निकोई में भी 1% की तेजी देखने को मिली थी, ठीक है। महंगाई का दबाव कम होने के एशिया स्टॉक में और निवेशकों को सिक्योरमेंट सुधार देखने को मिला है, मतलब दोस्तों काफी अच्छा। बाकी जो टेक्निकल रुझाव हुए वो आप तो देख सकते हो, निफ्टी इसके बाद 15,500-14,400 का स्तर भी छू सकता है। मोतीलाल ओसवाल जी कह रहे दोस्तों यहां पर कि मोतीलाल ओसवाल जी का कहना है कि निफ्टी को 15,050 और 15,200 की तरफ बढ़ने के लिए 14,900 पर टिके रहना होगा। नीचे की तरफ से अगर मैं बात करता हूँ 14,800-14,700 के जोन में मजबूत सपोर्ट लेना होगा, तो ठीक है। ये टेक्निकल रीज़न भी आया, ये आप लोगों ने देखा, देन और कुछ रीज़न भी देखते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हो द इकोनॉमिक टाइम की साइट के ऊपर लाया हूँ, SBI क्वार्टर 4th रिजल्ट, नेट प्रॉफिट शोज 18% ईयर ऑन ईयर प्रोविजन ड्रॉप। मतलब दोस्तों प्रोविजन ड्रॉप हुआ है, SBI का क्वार्टर 4th का जो रिजल्ट है वो काफ़ी शानदार रहा है। PSU बैंक में दोस्तों जोरदार बैंक है SBI, आप लोगों को पता है, और उसने इतना शानदार रिजल्ट पेश किया है, मतलब दोस्तों PSU सेक्टर के लिए ये काफ़ी अच्छी राहत बड़ी बात है। तो डेफिनेटली PSU सेक्टर और मार्केट
उनका कनेक्शन जो जोरदार है आप लोगों को पता ही है। तो तभी हमें इतनी बड़ी तेजी देखने को आज मार्केट को मिली, क्योंकि सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम के साथ आज SBI पे देखने को मिला, तो हमने इस पर भी फोकस जोरदार किया। अब यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, बॉन्ड ये US का बॉन्ड है, इसमें तो गिरावट देखने को मिली, ठीक है। तो जो भारी ट्रेड इन्वेस्टर थे जिसे हम FII बोलते हैं, ठीक है, उनका अट्रैक्शन अभी यहाँ पर नहीं जा रहा है, ठीक है। तो उसका अट्रैक्शन कहाँ जा रहा है, मार्केट में, कैश मार्केट में, तो हमारे लिए काफ़ी अच्छी बात है, ठीक है। उसी के साथ साथ आप लोगों ने देखा हमारी RBI ने अभी 35,000 करोड़ के बॉन्ड परचेस किए हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, जो बैंकों के पास पैसा था, ठीक है, उन्होंने सब RBI को दिया, RBI ने फिर क्या किया दोस्तों, इकट्ठा करके बॉन्ड को परचेस किया। क्यों किया, कि जो मार्केट है और जो बॉन्ड है वो स्टेबल रहे, दोनों बराबर चलें, तो दोनों के ऊपर ज़्यादा, ये नहीं कि अगर बॉन्ड भाग रहा तो यहाँ से पैसा निकलेगा और यहाँ पर डलेगा, ठीक है, मार्केट भाग रहा है तो यहाँ से पैसा निकलेगा यहाँ डलेगा फिर ये भाग रहा है, तो ऐसे में क्या होता है हर बार मार्केट में काफ़ी बड़ी बड़ी गिरावट देखने को मिलती है। तो जो आप लोगों ने देखा कि ये मार्केट में जो डेट थी, ठीक है, उसी के हिसाब से यहाँ पर RBI ने अपने बॉन्ड को परचेस कर लिया है। तो ये दोस्तों कुछ 4 से 5 बड़े रीज़न थे जिसके कारण, खास करके जो कोरोना वायरस वाला, ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट वाला वो, और थर्ड जो दोस्तों जो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि जो गवर्नमेंट को इतना पैसा ट्रांसफ़र किया जाएगा, जिसके बेसिस पर हमें काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिली मार्केट में, ठीक है। तो ये अपडेट था। अब इस अपडेट के साथ दोस्तों हम इस वीडियो को क्लोज करते हैं। वीडियो को क्लोज करते समय तो यही बोलेंगे, वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम डेली बेसिस पे आप लोगों के लिए ट्रेडिंग के टिप्स एंड मार्केट अपडेट लाते रहते हैं। थैंक यू दोस्तों।